जनता की है जीत और जनता की जनता एक दिक्री जनता की है जीत जनता आप, के काम कोई जनता के लिए आधी रात का भी खड़ी हूँ समस्या क्यान था सामने वाला नारी नारी है नाली है लाइट है मायर फैशन रेंज ऑफ डिजाइन कलेक्शन स्वामी कॉम्प्लेक्स आन वेगा मॉल अजमेर सब समस्या को सब आधी रात का हूँ। जनता ने तो मेरे को खड़ा किया है और जनता ने मेरे को जिताया है और जनता की मैं हर बात पे खड़ा उतरूँगा और सभी जनता को साथ लेके मेरी मालियों की बाड़ी पंचायत की जितने भी है सभी को मैं साथ लेके काम करूँगा और सभी के हर काम में मैं खड़ा उतरूँगा जो भी पानी बिजली सड़क हैंडपम्प नालियाँ जो भी सुविधा है हर हर सुविधा में मैं सबको साथ लेके काम करूँगी पानी की है सर रोडों की है सर कुछ जगह हैडपम्प की भी है सर कुछ जगह ज़्यादा रास्ते खराब हो रखे सर रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है सर जो एक गाड़ी भी नहीं निकल सकती है एक गाड़ी अगर आ जाए, तो बाइक वाला भी नहीं निकल सकता है ये पोजिशन है कई जगह रास्ते की कई जगह कीचड़ हो रहा है अपन पैदल भी नहीं निकल पाते परेशानी है सर जनता का किसे देंगे तो ये तो है सर जनता का है सर जनता की कसौटी पे किस तरह से खड़ा उतरेंगे पाँच साल बिल्कुल सर जनता की बिल्कुल जनता का भरोसा मैं तोड़ूंगा नहीं जिस तरह मैंने जनता ने मेरे को चुना है उसी तरह मैं जनता की बातों पर मैं खरा उतरूँगा ग्राम पंचायत माड़ियों की बाड़ी सरपंच पद पर बहन लाड़ा देवी की एक अजमेर जिले में एक ऐतिहासिक जीत हुई है ये जीत छत्तीसौ कौम के कार्यकर्ताओं की और सर्व समाज की ये जीत है जीत है और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे और हमें और सरपंच साहब पे हमें पूर्ण विश्वास है कि कोम की समस्या जैसे राशन कार्ड की खाद्य सामग्री के अंदर जो भी खाद्य सामग्री नहीं मिलती है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सरपंच साहब इस समस्या का समाधान बहुत जल्द करवाएंगे गांव-गांव ढाणी-ढाणी पानी की विकट समस्या खड़ी हो रखी है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सरपंच साहब घर घर कनेक्शन करवाने के लिए प्रयास करेंगे और जैसे कि मालयों की बाड़ी की ग्राम पंचायत के गांव ढाणी परोहितान में या जाने के लिए सार्जनों बसों की विकृट समीक्षा खड़ी हो रखी है हमें पूर्ण विश्वास है कि सरपंच साहब बसों की भी पूर्ण व्यवस्था करवाएंगे और इनके साथ साथ जो जोगे का नाडा मालियों की बाड़ी देवन की ढाणी उनके अंदर आंगनबाड़ी केंद्र की भी विकृट समीक्षा खड़ी हो रखी है उनकी भी हमें पूर्ण विश्वास है कि आंगनबाड़ी खोल के वहाँ नन्नोमन्नों बच्चों के लिए एक अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी हमें पूर्ण विश्वास है इनका कार्यकाल बहुत ऐतिहासिक कार्यकाल होगा अजमेर जिले में नहीं जब से पंचायत राज लागू हुआ इससे ऐतिहासिक कार्यकाल के स्वर्ण में लिखा जाएगा और इनकी जीत 1750 वोट प्राप्त किए और आठ सौ वोटों से उनकी एक ऐतिहासिक जीत हुई है ये जीत छत्तीसगढ़ की कार्यकर्ताओं की जीत है महेंद्र सिंह रावत भाजपा को मंडल अध्यक्ष